सर, आखिर क्यों पिछड़ गए हैं राजेंद्र गहलोत और अरुण चतुर्वेदी भाजपा अध्यक्ष दौड़ में? देखिए, राजेंद्र जो गहलोत हैं वो तो बेसिकली तो संघ के लाडले हैं, दौड़ में बहुत करीब थे, लेकिन अब क्या हुआ कि दो फैक्टर उनके अगेंस्ट चले गए। बेसिक फैक्टर जन्म पत्री का होता है, जन्म पत्री में नहीं था, लेकिन देखने के लिए दो फैक्टर चले गए। एक तो कहते हैं सर वो जोधपुर से, मारवाड़ से, दो पहले बड़े नेता हैं वहाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वहाँ पे, और एक नए प्लेयर जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में आ गए हैं, जो प्रधानमंत्री करीब हैं, अभी रेल मंत्री हैं जो वैष्णव, वो कहते हैं दो नेता पहले से ही वहाँ हैं, फिर ओम माथुर पाली से हैं, फिर कैलाश चौधरी हैं, इस तरह से क्या उनका कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं है। सेकंड क्या है कि वो माली हैं बाई कास्ट जो है, तो मारवाड़ में जो माली हैं वो सब अशोक गहलोत के वोट हैं, अशोक गहलोत के कंट्रोल में हैं, उनका इससे कोई फ़ायदा राजनीतिक होने वाला है नहीं। और तीसरी घटना ऐसी हुई, इन सब जब बातें चल रही थी तो राजेंद्र गहलोत ने सोचा होगा चलो मैं अपना पक्ष मोदी जी या अमित शाह के सामने रखता हूँ, तो बाई चांस अमित शाह यहाँ आए हुए थे गृहमंत्री के रूप में, यहाँ जो उत्तरी राज्यों की बैठक थी वहाँ पर, तो आए थे क्राफ्ट से, चार्टर से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ। वो मौन रहे होंगे, क्या इनकार करें, ठीक है। तो वैसे तो उनका पूछना ही बड़े साहस की बात थी अमित शाह से कि मैं आपके प्लेन में साथ चलता हूँ। भाजपा की संस्कृति में अमित शाह से को ये पूछे तो मैं उनके नैतिक साहस की दाद देता हूँ। एनी हाउ पूछा तो साथ चले गए वो, और उन्होंने सोचा आप प्लेन में ही चलो रस्ते में बात करेंगे। अमित शाह बैठे, अब पास वाली सीट पर तो किताबें रखी हुई थी उनकी, तो जगह नहीं थी बैठने के लिए जो है, और फिर क्या है वो अपनी पूजा की माला जपने लग गए। हमेशा पूजा करते हैं लंबी जो है काफ़ी समय से, तो माला जपने लग गए। अब वो बार बार इंतज़ार कर रहे हैं राजेंद्र गहलोत की, वो उनकी माला ख़त्म हो पूजा की, वो मैं देखें तो मैं फिर उनके पास जाके बात करूं, और माला पूजा ख़त्म ही नहीं हुई, प्लेन लैंड कर गया, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको, तो भाग्य की बात है। अरुण चतुर्वेदी का ये है, उसका भी ये देखिए कि ब्राह्मण है, अब भी ब्राह्मण ही बना है दैट वे जो है, और अच्छा है उनका, लेकिन उनका थोड़ा सा ये है कि इतना उसके सीपी के मुकाबले में उसका कैंडिडेचर कमज़ोर है, चुनाव भी हार गए। वैसे क्या है कि दत्तात्रेय जी के क्लोज हैं, जब दत्तात्रेय जी जयपुर आते हैं तो दिया कुमारी उनके साथ डिनर भी होता है, मिलते जुलते हैं सारे, लेकिन बस वो क्लिक नहीं किया। हालांकि उसके बाद अरुण चतुर्वेदी ने कहा किसी को, दोस्त को, कि यार मैडम ने ऐन वक्त पे साथ नहीं दिया, हो सकता है, यू नेवर नो जो है, ये बन ही बन पाए जो है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर मुझे लगा राजेंद्र गहलोत का था उसमें, जो रह गए तो दोनों रह गए, कोई बात नहीं, कभी सरकार इनके बनेगी, जीतेंगे तो फिर मंत्री बनेंगे अरुण चतुर्वेदी, नो रेग्रेट्स, और नहीं बनेगी तो ठीक है 5 साल बाद फिर सही, ये तो राजनीति।